नमस्कार, मैं उषा मंगेशकर बात कर रही हूँ। इस लॉकडाउन के दरमियान अशोक कुमार जी ने केवल कुमार जी ने 100 गाने बनाए हैं और वो चल रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि और भी वो काम करें, लोगों को उससे खुशी मिलती है, ऐसी बातें करें। लॉकडाउन के बाद सुन के पहले तो मुझे डर ही लगा था, लेकिन अब घर के लोगों के साथ रहना, हॉस्पिटल में सोने से अच्छा है घर के लोगों के साथ बातचीत करो, आराम से रहो। बहने हैं और भाई है, भाभी है, मजा आता है घर में, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होती है। आप भी घर में रहें, अपने लोगों के साथ आनंद से रहें, बाहर नहीं निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस लॉकडाउन के दरमियान मुझे अपने दिलराज जी, दिलराज कौर, उन्होंने कहा कि आप भी गाइए, अशोक हमराई जी गाने बना रहे हैं, तो बगैर सोचे मैंने हाँ बोल दिया। फिर सोचा मैं कैसे करूंगी। जब गाना मेरे पास आया, मिस्टर अशोक हमराई जी ने भेजा, उसको ट्यून भी लगाई थी केवल कुमार जी ने, गाना अच्छा था, ट्यून भी अच्छी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड किस पे करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। घर में हमारे यहाँ सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, गाना सुनते हैं लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं किया है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग इससे करते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे कैसे चलाना ये भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी से सीख लिया कि ऐसे ऐसे करके ओपन करो, ऑन करो, तो ऑन करके फिर करके देखा और अशोक जी को भेजा। वो इतना खाली और कुछ नहीं था उसके अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे एक पहचान के हैं जो राहुल श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको रिदम और थोड़ा सा म्यूजिक बजा के मुझे भेज दिया। तो रिदम बहुत जोर का था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने उनको कहा कि प्लीज थोड़ा रिदम कम करके दीजिए, मेरे समझ में सूट नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने म्यूजिक थोड़ा हल्का भेज दिया, थोड़ा सा बेसिक। फिर मैंने वो किसी और के मोबाइल से लिया और हेडफोन से मैंने वो कान में लिया और मेरे मोबाइल से मैंने गाया। थोड़ा मुश्किल तो था ही, लेकिन हो गया। 5-6 मरतबा गा के राहुल जी को भेजा और हमारे रिकॉर्डिस्ट है आनंद डबरे, उनको भेजा, उन्होंने वॉइस को ठीक किया और उन्होंने एडिट करके बराबर भेज दिया राहुल जी को। राहुल जी ने उसके म्यूजिक डाला, फाइनल ट्यून जो आई है बहुत अच्छी आई है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अशोक जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, शब्द बहुत ही क्लियर और कम शब्दों में कहना है वो कह दिया है। और केवल कुमार जी ने वो भजन को जैसा लगता है कि ऐसा भजन होना चाहिए इस तरह से सजाया है, तो मुझे ये सब पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कोशिश करके किया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और थोड़ा कम लगे तो आप मुझे जरूर बताइए कि ये कमी है और कुछ करना है इसमें, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। तो मेरा 100वां गाना है, तो मेरी शुभकामना तो है कि 200 गाने बने उनके हाथ से। तो इस तरह से मैंने गाया है और मैं कोशिश करूंगी और किसी अच्छे तरीके से मैं बनाऊं गाने। तो आप भी जो भी गाते हैं, जो भी अपनी कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसमें जरूर करें ये दौरान, और लोगों को खुशी दें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैं मेरे अनुभव से बोलती हूँ कि वाकई घर में बहुत अच्छा लगता है, आप घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मन में विश्वास के दीप जला दो, जीवन में आस की ज्योति जगा दो। मन में विश्वास के दीप जला